तो गर्मा गर्म बिरयानी तैयार है और ये देख सकते हैं आप, चिकन भी एकदम अच्छा गल गया है और चावल एक एक दाना अलग है, बनकर बिल्कुल तैयार है ये चिकन बिरयानी। तो अगर आप बनाना चाहते हैं ऐसी ही चिकन बिरयानी तो आप फॉलो कर सकते हैं इस वीडियो को, जिसमें मैं आज बनाने जा रही हूँ अपने किचन में ये बढ़िया चिकन दम बिरयानी। तो बिरयानी एक ऐसी चीज़ है जिसको कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। चिकन बिरयानी यूजुअली सबकी बहुत ही फेवरेट होती है और पर्सनली मेरी बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है ये। तो चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। तो सबसे पहले हम करेंगे प्याज ब्राउन। तो मैंने यहाँ पे 3 मीडियम साइज़ फाइनली डाइस की हुई प्याज ली हैं और डीप फ्राई करने के लिए तेल गर्म कर लिया है इन प्याज को। तो ये प्याज अब मैं ऐड कर रही हूँ गर्म तेल में और इसको अच्छा हमें ब्राउन करना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रूशल स्टेप है। तो प्याज मैंने ऐड कर दी है और इसको अब लगातार बीच बीच में चलाकर अच्छा ब्राउन कलर जब तक इस पर ना जाए तब तक हम इसे फ्राई करेंगे। तो ये प्याज मैं अब निकाल कर सेपरेटली एक प्लेट पे रखूँगी, आप देख सकते हैं अच्छा कलर आ गया है इस पर। और थोड़ी देर में ये प्याज रखे रखे जब इस पर हवा लगेगी तो ये हो जाएंगी काफ़ी कुरकुरी। तो अब दूसरा स्टेप है, हमें चावल बनाने हैं। तो हमने 4 कप पानी गर्म करा है, उसमें 5 से 6 डाली हैं ये लौंग, 8 से 10 ब्लैक पेपर और ये 5 से 6 मैंने ऐड करी है हरी इलायची। साथ साथ इसमें जा रहा है ये 2 मैंने टुकड़े ऐड करे हैं जावित्री के, 2 ब्लैक कार्डेमम यानी कि बड़ी इलायची, ये 2 इंच का टुकड़ा सिनेमन स्टिक यानी कि दालचीनी, साथ के साथ ये 2 से 3 मैंने इसमें ऐड करे हैं बेलीफ यानी कि तेजपात। तो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ये चावल, 2 कप चावल मैंने आधे घंटे के लिए ये बासमती राइस भिगो दिए थे पहले ही। जब हम चावल को ज़्यादा देर के लिए भिगो देते हैं तो फिर उसे पकाना ज़्यादा देर के लिए नहीं पड़ता है। तो 2 कप अच्छी क्वालिटी के बासमती राइस मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं, साथ साथ नमक ऐड कर दिया है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर दें नमक को। और अब देखिए आप पानी में अच्छा उबाल आने लग गया, तो चावल को चेक करेंगे हम। हमें 80% तक इन चावलों को पकाना है, तो मैं ये दाने को लेकर अपनी फिंगर्स के बीच में प्रेस करके चेक कर रही हूँ कि कितना गल गया है। तो चावल बिल्कुल अच्छी तरह पक गया है 80% तक, तो मैंने इसको स्ट्रेन कर लिया है और उसके बाद इसे इस तरीके से खुली प्लेट में निकाल कर रख लें ताकि चावल आपस में चिपके ना और बिल्कुल खिले खिले रहें। और ये जो भी मोटे मसाले स्पाइसेस हमने ऐड करें इसको निकाल के सेपरेट प्लेट में रख लें, इनको फेंकना नहीं है क्योंकि हम इसको इस्तेमाल करेंगे। तो अब 3 बड़े चम्मच तेल मैंने गरम कर लिया है, उसमें ऐड करा है ये शाही ज़ीरा 2 चम्मच और साथ साथ जो खड़े मसाले निकाले थे हमने चावल उबालते वो सब इसमें ऐड कर दिया है, उनको मैं कर रही हूँ रीयूज़, जिससे बिरयानी में बहुत ही अच्छी सी फ्रेग्रेंट हो जाते हैं ये चिकन के पीसेस और जो हमने चावल उबाले हैं उसमें वो ऑलरेडी फ्रेग्रेंट है। तो अगर आप न्यू होल स्पाइसेस इसमें ऐड करेंगे तो बहुत ही तेज़ अरोमा हो जाता है जो कि कई बार बिरयानी में फिर उसका जायका बिगाड़ देता है। 1/2 किलो चिकन इसमें ऐड कर लिया है, अच्छे से भून लिया है जब तक उसका कलर चेंज ना हो गया चिकन का, जिसमें 2-3 मिनट लग जाते हैं। और साथ साथ अब 2 अच्छे बड़े चम्मच मैंने इसमें ऐड कर दिया अदरक लहसुन का पेस्ट। तो चिकन भूनती जा रही हूँ मैं अब और आप देख सकते हैं अच्छे बंद गए हैं चिकन के पीसेस अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करने से। अब उसके अंदर ऐड करा है ये प्याज, 3/4 प्याज मैंने इस्तेमाल कर लिया और थोड़ी सी सेपरेटली रख ली है जिसको मैं बाद में बिरयानी के गार्निशिंग में इस्तेमाल करूँगी। अब मैं ऐड कर रही हूँ 2 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 2 ही चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच मैं इसमें ऐड कर रही हूँ गरम मसाला। इसमें मैं और कोई मसाला हल्दी बिल्कुल ऐड नहीं कर रही हूँ, बस बिरयानी मसाला इसमें जाएगा, वो भी थोड़ा सा जब बिल्कुल एंड में ये पक जाएगा चिकन तब। तो ये 3 मसालों के साथ अब इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ मैं, आप देख सकते हैं अच्छे चिकन के पीसेस मसाले के साथ बंध जाते हैं इस तरीके से पकाने में। तो अब 1 मीडियम साइज़ का टमाटर रफली चॉप किया हुआ इसमें चला गया है और साथ साथ 2 टेबल स्पून दही, तो ये दही भी इसमें 2 टेबल स्पून ऐड कर दिया है। और अब इसको लगातार हम चलाते जाएंगे और आप देखेंगे कि इसका रंग कितना बढ़िया आ जाता है। सिर्फ सिंपली मसाले 3 मसाले हमने इसमें ऐड करें और आप इसका रंग देखिए कितना बढ़िया आता जाएगा जैसे जैसे ये पकता जाएगा, दही और ये टमाटर जो हमने ऐड करें इसका रंग बहुत ही बढ़िया हो जाएगा एकदम कोरमा जैसा। तो ये मैं लगातार इसको चलाती जा रही हूँ। तो अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ नमक, नमक आप केयरफुल होकर ऐड करें क्योंकि चावलों में हम ऑलरेडी नमक ऐड कर चुके हैं। तो नमक ऐड कर दिया गया है इसमें, अब मैंने इसमें सिर्फ 1/4 कप पानी ऐड करा है, बहुत ही कम पानी ऐड करना है, सिर्फ चिकन के पीसेस गल जाए इतना पानी हमको इसमें ऐड करना है। अब मैंने प्रेशर कुक कर लिया है, इसे 1 सीटी लगाई है सिर्फ और उसके बाद स्टीम रिलीज़ करके इसका ढक्कन खोल लिया है। और चिकन हमें बिल्कुल 90% तक चिकन गल गया है, जो 10% की कसर रह जाती है वो हम चावलों के साथ जब दम देंगे तब वो चिकन कम्प्लीटली कुक हो जाएगा। आप ओवर कुक भी चिकन को कर लेंगे तो बहुत ही ज़्यादा गल जाता है चिकन बहुत जल्दी, तो आपको ध्यान देकर इसमें सीटी लगानी है। तो 1 चम्मच अब ऊपर से बिरयानी मसाला ऐड कर दिया है, अगर आप इसकी बिरयानी मसाला की रेसिपी देखना चाहते हैं जो मैंने अपने चैनल पर ऑलरेडी डाल दी है तो आप वीडियो के एंड में लिंक ज़रूर से चेकआउट कर लें। तो आप देखिए कितना बढ़िया चिकन बनकर ऑलरेडी तैयार हो चुका है, तेल अच्छे से ऊज आउट हो गया है, तो गाढ़ा भी कर लिया है मैंने इसको पका के 3-4 मिनट और,
तो अब गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया है और अब इस चिकन की लेयरिंग करेंगे हम बिरयानी के राइस के साथ। तो मैं यहाँ पे नॉनस्टिक कढ़ाई का इस्तेमाल कर रही हूँ। आपके पास कोई भी बर्तन ऐसा हो जिसका तला जो है वो यानी कि लोअर सरफेस जो है वो हैवी होना चाहिए, हैवी बॉटम पैन यानी कि भारी तले का कोई बर्तन इस्तेमाल करें, और नॉनस्टिक हो तो बहुत ही बढ़िया है। तो सारे मैंने पहले चिकन के पीसेस लेयर कर लिए जो भी मैंने बनाई थी ग्रेवी थिक करके, और उसके बाद ऊपर से चावल अच्छे से जेंटली स्प्रेड करें ताकि चावल टूटे ना, और उसके ऊपर से अब ये जा रही है इसमें जो ब्राउन की हुई प्याज बची हुई रखी हुई थी वो, साथ साथ ये हरी मिर्चें, बहुत ही बढ़िया लगती हैं ये हरी मिर्चें जब हम इसमें ऐड करते हैं, और साथ साथ इसमें जा रहा है ये कटा हुआ बारीक धनिया और पुदीना के पत्ते यानी कि कोरिएंडर एंड मिंट लीव्स। तो इससे भी बहुत ही बढ़िया खुशबू ऐड हो जाती है बिरयानी में इन पुदीना और धनिया के पत्तों से। तो ये अच्छी तरह मैंने स्प्रेड कर दिए हैं, साथ साथ अब इसमें ये रेड ऑरेंज फूड कलर है इसको मैं ऐड कर रही हूँ, हल्का सा फूड कलर लेके उसको पानी में मैंने मिक्स कर लिया था, उसको भी मैंने ऊपर से इसमें ऐड कर दिया है। तो अब इसमें लास्ट में मैं ऐड कर रही हूँ ये केवड़ा वाटर, एक चम्मच केवड़ा वाटर ऐड कर रही हूँ। बिल्कुल ज़्यादा केवड़ा वाटर आपको ऐड नहीं करना है क्योंकि उससे फिर आपकी बिरयानी का जायका बिल्कुल ख़राब हो जाएगा, क्योंकि इसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग अरोमा होता है। साथ साथ जिसमें मैंने प्याज फ्राई करी थी वो तेल मैं थोड़ा सा ऊपर से स्प्रेड कर रही हूँ ताकि चावल एकदम चमकदार हो जाते हैं इससे। अगर आप तेल नहीं ऐड करना चाहते बचा हुआ तो आप इसमें देसी घी ऊपर से ऐड कर सकते हैं 2 से 3 चम्मच। तो ढककर 15-20 मिनट तक मैंने इसको दम दिया है, बिल्कुल लो फ्लेम पे रखा था इसको। आप चाहें तो नीचे तवा लगा के भी लो फ्लेम पे 20 मिनट तक इसको 15 से 20 मिनट तक रख सकते हैं। और उसके बाद ये देखिए आप बिरयानी बिल्कुल बनकर तैयार है। हल्के हाथ से आप जो निचले चिकन के पीसेस हैं उनको ऊपर लाएँ और हल्के हाथ से मिक्स करें ये जो कलर है, क्योंकि थोड़े से सफ़ेद और थोड़े से ये जो रेड ऑरेंज फूड कलर वाले चावल हैं ये बहुत ही बढ़िया लगते हैं बिरयानी में। तो ये मैंने कर दिया है बिरयानी को गर्मा गर्म सर्व। तो ये आप देख सकते हैं कि कितनी चमकदार चावल बनकर आए हैं और साथ साथ एक एक दाना बिल्कुल चावलों का अलग अलग खिला हुआ निकला है। यही एक पहचान है बहुत ही बढ़िया बिरयानी की कि बिरयानी का जो चावल का दाना है वो बिल्कुल खिलकर आना चाहिए आपका, और साथ साथ जो हमने तेल ऐड करा है लास्ट में उससे बहुत ही चमकदार हो जाते हैं ये चावल, जो कि बिरयानी को देखने में बहुत ही बढ़िया बना देते हैं। तो ये मैंने सर्व कर दिया है गर्मा गर्म चिकन बिरयानी। तो ये बिल्कुल बनकर तैयार हो चुकी है बिरयानी, और देखने में आई एम श्योर आप लोगों को देख के पता चल रहा होगा कि कितनी बढ़िया बनी है ये बिरयानी। बहुत ही एरोमेटिक होती है ये, पूरी खुशबू से भर जाता है अगर जब कभी बिरयानी बनती है तो, और खाने में इसका जायका ऐसा है कि इसे किसी चीज़ से भी कंपेयर नहीं किया जा सकता। सो दिस वॉज़ वन ऑफ माई फेवरेट रेसिपीज़, वन ऑफ माई फेवरेट डिशेज़, बिकॉज आई जस्ट लव चिकन बिरयानी। तो ये मैंने आपके लिए कोशिश करी है कि मैं आसान से आसान तरीके से करके आपको बता सकूं कि किस तरीके से बनाई जाती है ये चिकन दम बिरयानी। आई होप आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है। अगर आपको पसंद आया ये तरीका और अच्छी लगी है मेरी रेसिपी तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर से करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चेक आउट द लिंक ऑफ चिकन बिरयानी मसाला एट द एंड ऑफ दिस वीडियो। ऑल्सो यू कैन ट्राई आउट माई अदर चिकन बिरयानी एंड कोरमा रेसिपीज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ऑल माई रेसिपीज़। हैव अ लवली डे, इन्जॉय दिस बिरयानी विद योर फैमिली फ्रेंड्स एंड लव्ड वंस, एंड हैव अ लवली टाइम टुगेदर। गॉड ब्लेस, बाय बाय एंड टेक केयर।